जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिंदी साहित्य की आज हम बहुत बढ़िया और फनी ट्रिक लेकर के आए हैं, ठीक है। अभी तक हमने बहुत सारी वीडियो में हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत जितनी भी रचनाएं थी उनको पढ़ा है ना। अब हमें पढ़ना है दोस्तों व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जिन रचनाओं को मिला है वो रचनाएं भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो जितनी रचनाएं हैं व्यास सम्मान से सम्मानित है ना, जिनको व्यास सम्मान मिला है वो हम आपको याद करवा रहे हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर अवश्य करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको याद करवाई हैं है ना, वो वीडियो जरूर देखें। ये 21वां पार्ट है हिंदी साहित्य में ट्रिकी वीडियो का, ठीक है। और जो भी साथी सब्सक्राइब नहीं कर पाए या बेल आइकन को नहीं दबाया है वो दबा दें। और व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना है 9098609291, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको सबसे पहले तो क्या होगा, प्रश्न का जो टेस्ट है वो टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद ट्रिक आपको बताएंगे। दोस्तों, व्यास सम्मान मिला भारत के भाषा परिवार और हिंदी के रचनाकार। तो जल्दी से हमें बताना है कि ये जो भारत के भाषा परिवार और हिंदी के रचनाकार, इसके जो रचनाकार है मतलब वो कौन है, ये चीज़ हमें बतानी है। और इस रचना को सबसे पहले व्यास सम्मान मिला था और ये रचना किसकी है दोस्तों, है ना। व्यास सम्मान वाले इन्होंने सोचा होगा कि सबसे पहले जो दिया जाए वो भारत के भाषा परिवार के लिए दिया जाए, है ना। और इसके रचनाकार है डॉक्टर रामविलास शर्मा, और एक नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। और 1991 में, जी हाँ दोस्तों, 1991 में इस रचना के लिए क्या मिला, व्यास सम्मान मिला। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भारत के भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए व्यास सम्मान कब मिला, 1991 में मिला। और ये रचना किसकी है, तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे इसको, ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले सोचा होगा कि हिंदी भाषा भारत के भाषा जो परिवार हैं उनको दे दिया जाए, बाकी तो फिर इन भाषाओं में रचित रचनाओं को देना ही है। तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी एक रचना है रामविलास शर्मा की, उसको दे दिया गया, ठीक है। अगला देख लो दोस्तों, नीला चांद। नीला चांद मैंने आपको कई बार बताया है, आपने शंकर जी की मूर्ति देखी होगी, शंकर जी की फोटो देखी होगी, देखी है। और यहाँ पर शंकर जी की यहाँ पर क्या है, नीला चांद रहता है, चांद रहता है ना यहाँ पर चांद, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, नीला चांद, है ना। और नीला चांद किसके मस्तिष्क पर है, शंकर जी के, है ना, शिव जी के। तो ये नीला चांद रचना किसकी होगी, शिव प्रसाद सिंह की, है ना, शिव प्रसाद सिंह की रचना होगी दोस्तों। और आपको पता है कि इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला 1990 में, 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 1992 में इसे व्यास सम्मान भी मिल गया। 90 में नीला चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 92 में व्यास सम्मान मिला। आपने याद कैसे किया, याद कैसे किया कि जो नीला चांद है, नीला चांद यानी कि चांद शिव जी के मस्तिष्क पर है, ये रचना हो जाएगी शिव प्रसाद सिंह की, ठीक है। और इसे 90 में साहित्य अकादमी और 92 में व्यास सम्मान भी मिला, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों, शिव का बाण, शिव का बाण तोड़ा था किसने, राम जी ने, तो 92 में व्यास सम्मान इन्हें मिल जाएगा, व्यास सम्मान, ठीक है। तो ये दोनों रचनाएं आपको याद रखनी है, दोनों पुरस्कार इस रचना के लिए आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है मैं वक्त के हूँ सामने। मैं वक्त के हूँ सामने के रचनाकार कौन है, मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आप वक्त के सामने आ जाओ कभी तो गिर जाना। मैं वक्त के हूँ सामने, बोले वक्त के क्यों सामने हो गिर जा, है ना, वक्त के क्यों सामने हो गिर जा। तो मैं वक्त के हूँ सामने रचना किसकी है, गिरजा कुमार माथुर की, ठीक है, सी नंबर। और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1991 में दोस्तों, और व्यास सम्मान मिल गया 1993 में। देखो बहुत सारी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं जिन्हें दो दो सम्मान मिल गए, है ना, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिन्हें साहित्य अकादमी भी मिल गया 1991 में और 92 में, 93 में इसको क्या मिल गया, व्यास सम्मान भी मिल गया। तो मैं वक्त के हूँ सामने गिरजा कुमार माथुर, 91 में साहित्य अकादमी, 93 में व्यास सम्मान, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अगला है सपना अभी भी के रचनाकार कौन है दोस्तों। सपना अभी भी है कि मैं धर्म की शरण में जाऊं, काहे की शरण में जाना है, सभी का सपना रहता है, क्या रहता है कि मैं धर्म की शरण में जाऊं। आपका भी सपना होगा, है ना, कि नहीं है, सभी का सपना है कि धर्म की शरण में जाऊं,
और मैं धर्मवीर बनूँ। क्या बनूँ? धर्मवीर बनूँ, ठीक है। और सभी का सपना है कि मैं धर्मवीर बनूँ, यानी जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आप कभी नहीं भूलेंगे। आप, मैं बोलूँगा सपना अभी भी है, बोले सर हाँ सपना अभी भी है धर्मवीर बनने का। क्या? धर्मवीर बनने का। तो धर्मवीर भारती, और इसके लिए 1994 में दोस्तों, 1994 में क्या मिल गया? 1994 में इसे मिल गया दोस्तों, क्या क्या मिल गया? व्यास सम्मान मिल गया। कैसे? सपना अभी भी है, तो याद रख लेना, है ना, सभी लोग याद रखें। चोर का भी सपना हो जाता है, चोर से 94, चोर से 94, है ना। कई पहले तो आप चोर थे, सपना अभी भी है आपका धर्म करने का, धर्मवीर बनने का। तो 94, चोर से 94 में इसे व्यास सम्मान मिला, और सपना अभी भी है धर्मवीर भारती, ठीक है। आत्मजय के रचनाकार कौन है दोस्तों? हमने एक रचना पढ़ी थी, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं कुंवर चाहिए, कोई दूसरा नहीं कुंवर चाहिए। अब इसको कर लो कि कोई दूसरा नहीं आत्मजय कुंवर चाहिए। कैसा चाहिए? आत्मजय कुंवर चाहिए, कोई दूसरा नहीं चाहिए, यानी कि कुंवर नारायण, ठीक है। आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, आत्मजय कुंवर चाहिए, तो कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं, यानी कि 1995 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कोई दूसरा नहीं। ये रचना भी किसकी है? कुंवर नारायण की है। और आत्मजयी, ये रचना भी किसकी है? कुंवर नारायण की है। और 1995 में इसे ये व्यास सम्मान मिला दोस्तों, है ना। दो रचनाएं इनकी है, बहुत ही बढ़िया रचना है, कोई दूसरा नहीं कुंवर चाहिए, 1995, 95 साल का कुंवर चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। और 95 में ही दोस्तों इनकी आत्मजयी को मिला व्यास सम्मान, और 95 में ही कोई दूसरा नहीं इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, सभी लोग याद रखेंगे, है ना, सभी लोगों को याद रखना है। और अगला देख लेते हैं, यहाँ पर हिंदी साहित्य और संवेदना का, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य और संवेदना, चार विकल्प हैं दोस्तों। एक चीज बताना कि मैं जिसके बारे में जानता हूँ उसके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ, है ना। मैं जिसका स्वरूप जानता हूँ उसके बारे में संवेदना प्रकट करता हूँ, मैं जिसका स्वरूप ही नहीं जानता तो क्या संवेदना प्रकट करना। तो स्वरूप जानता हूँ, है ना, उसके बारे में क्या करते हैं? संवेदना प्रकट करते हैं। तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना हो जाएगी, बोले सर मैं संवेदना प्रकट करने गए था क्योंकि मुझे उसका स्वरूप पता था कि वो बहुत अच्छा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, ठीक है। हम हिंदी साहित्य का विकास जानते हैं, हिंदी साहित्य के बारे में जानते हैं, हिंदी साहित्य के बारे में संवेदना प्रकट करेंगे क्योंकि हमें इसका स्वरूप पता है, स्वरूप, ठीक है। और इस रचना के लिए दोस्तों 1996 में व्यास सम्मान मिल गया, किसे? हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास के लिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और दोस्तों उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं के रचनाकार कौन है? उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, कुंवर नारायण, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर केदारनाथ से, या फिर गोविंद मिश्र। तो उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं के जो रचनाकार हैं वो हैं दोस्तों 1997 में से व्यास सम्मान मिला, और वो केदारनाथ से हैं। तो इसको याद रख लेना है, है ना, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, है ना, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं। कैसे याद रखोगे? कबीर की बात आई है दोस्तों यहाँ पर, तो केदारनाथ में जब बाढ़ आई तो कबीर भी क्या गए? देखने गए। इस प्रकार से रख लेंगे, कबीर भी देखने गए थे। तो उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं रचना केदारनाथ से की है, 1997 में क्या मिल गया इसे? व्यास सम्मान मिल गया, व्यास, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, पांच आंगनों वाला घर, पांच आंगनों वाला घर के रचनाकार बताना है। आपको पता होगा दोस्तों कि आपने पढ़ी होगी, सूरदास ने लिखी है कि घुटरू बन खेलत, कृष्ण जी के बारे में लिखा है, है ना, घुटरू बन खेलत, आंगन में घुटरू बन खेलत, इस प्रकार से एक पंक्ति उन्होंने लिखी है। तो आंगन में कौन खेलते थे? आंगन में खेलते थे दोस्तों कृष्ण जी, उनका नाम ही गोविंद है, है ना। तो पांच आंगनों वाले घर में खेलते थे कौन? गोविंद। तो गोविंद मिश्र, गोविंद मिश्र, इसके रचनाकार कौन होंगे? गोविंद मिश्र। मैं कभी भी आपसे पूछूंगा पांच आंगनों वाला घर, बोले सर पांच आंगनों वाले घर में तो गोविंद खेलते थे, है ना, गोविंद खेलते थे, यानी गोविंद मिश्र। और इसे 1998 में दोस्तों क्या मिल गया? व्यास सम्मान मिल गया, 98, ठीक है,
98 में क्या मिल गया, ब्यास सम्मान, विश्रामपुर का संत। जी हाँ दोस्तों, अब एक चीज बताना कि जब माँ का लाल थक जाता है, जब माँ का लाल थक जाता है तो माँ बोलती है विश्राम कर ले। क्या बोलती है? विश्राम कर ले। तो विश्रामपुर का संत कौन होगा? कोई लाल ही होगा दोस्तों, लाल होगा, यानी कि श्री लाल शुक्ल की रचना है विश्रामपुर का संत। कई बार पूछी गई है, राग दरबारी भी आपको रचना पति हो पता होगी दोस्तों, श्री लाल शुक्ल जी की है ना, और श्री लाल शुक्ल की एक रचना है, कई बार पूछी गई विश्रामपुर का संत है ना। माँ किससे बोलेगी? लाल से बोलेगी कि विश्राम कर ले, तो लाल से श्री लाल शुक्ल, ऐसे याद रखेंगे। और दोस्तों 1999 में इसे ब्यास सम्मान मिला है ना, ब्यास सम्मान मिला, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और लाल विश्राम नहीं करता, बोले 99 का फेर है, मैं विश्राम नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा? विश्राम। तो 99 का फेर है, याद रख लेना, और विश्रामपुर का संत श्री लाल शुक्ल की रचना हो जाएगी ब्यास सम्मान 1999। पहला गिरमिटिया के रचनाकार कौन है? पहला गिरमिटिया, जी हाँ दोस्तों। अब दोस्तों याद रख लेना, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर को तो बताना, यहाँ पर दिया है गिर, तो उत्तर में भी क्या आना चाहिए? गिर है ना। तो ये देखो गिरिराज किशोर, गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर है ना। तो ये तो उत्तर में आपको गिरिराज किशोर समझ में आ गया। और 2000 में जो है क्या है, ये रचना को ब्यास सम्मान मिला था, पहला गिरमिटिया है ना। बोले पहला गिरमिटिया मैंने 2000 रुपये में खरीद लिया, क्योंकि वो क्या हो गया था, गिर गया था। तो गिरिराज किशोर है ना, पहला गिरमिटिया गिर गया था जो मैंने 2000 रुपये में खरीदा था, इस प्रकार से। तो गिरिराज किशोर इसके रचनाकार होंगे, 2000 में से ब्यास सम्मान मिल जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका, आलोचना का पक्ष के रचनाकार कौन है? आलोचना का पक्ष इसके रचनाकार बताना है, कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, चित्रा मुद्गल या फिर गिरिराज किशोर। तो आलोचना का पक्ष को आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रमेश चंद्र शाह। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह इसके रचनाकार हैं, बहुत ही बढ़िया रचना है ना। और इसे 2001 में क्या मिला, 2001 में इसे दोस्तों ब्यास सम्मान मिल गया, आलोचना का पक्ष, ठीक है, रमेश चंद्र शाह, ऐसे भी आपको याद रखना, शाह, ठीक है, रमेश चंद्र शाह है ना, याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष के रचनाकार कौन है? पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, दोस्तों पृथ्वी पर चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, लेकिन शंकर जी ने तो अपना जो तपस्या की वो कहाँ पर की? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर बोले कि पृथ्वी पर चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, मैं तो अब कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो पृथ्वी के कैलाश पर्वत पर तपस्या की श्री कृष्ण ने, और चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, कैलाश पर्वत पर ही की, तो कैलाश वाजपेयी, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश पर्वत पर, यानी कि कैलाश वाजपेयी है ना, याद रखेंगे इस प्रकार से कि पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश पर्वत पर है ना। तो कैलाश वाजपेयी रचनाकार हो जाएंगे। और 2002 में इसे क्या मिल गया, इसे मिल गया ब्यास सम्मान 2002 में, ठीक है, याद रखना है ना। अब आप बोलोगे सर एक कैलाश पर्वत शंकर जी गए थे, एक आदौर होता, दो होते दो तो मैं भी चला जाता है ना, तो दो होते तो 2002 कैलाश वाजपेयी की रचना पृथ्वी का कृष्ण पक्ष को इसे ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों अगला बताना है आपको, आबा के रचनाकार कौन है? आबा, कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, चित्रा मुद्गल या फिर गिरिराज किशोर। दो सेकंड आपको दिए जाते हैं दोस्तों। आबा से आपको नहीं लग रहा, आबा और आबा का हमें क्या बनाना है, चित्र बनाना है। मैं आपसे बोलूं आमा का चित्र बना देना, आमा, ठीक है, आमा, आम या आमा या आबा, इस प्रकार से। तो इसका क्या बनाना है, हमें चित्र बनाना है, चित्र, ठीक है। तो चित्र बनाना है आबा का, तो चित्रा मुद्गल, आबा की रचना, आबा जो रचना है वो किसकी है, चित्रा मुद्गल की, क्योंकि आबा का हमें क्या बनाना है, चित्र बनाना है। और इसे 2003 में क्या मिला दोस्तों, ब्यास सम्मान मिल गया। और चित्र आपको कितने बनाने हैं, 3 चित्र बनाना है आवा के 3 चित्र बनाना है, तो चित्रा मुद्गल, और 3 बनाना है, तो 2003 में इसे ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया।
अगला देख लेते हैं दोस्तों, कठ गुलाब के रचनाकार कौन है? चार विकल्प हैं, दो सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे और एक चीज बताएंगे दोस्तों कि जो गुलाब होता है, गुलाब वो कैसा होता है, कठोर होता है कि मृदुल होता है, जल्दी से बताएं, है ना। गुलाब की पहचान दोस्तों मृदुल से की जाती है, यानी कि बहुत मलिन है ना, बहुत मृदुल है, तो गुलाब आया यहाँ पर, कठ गुलाब, और ये रचना हो जाएगी किसकी, मृदुला गर्ग, है ना, मृदुल, मृदुला गर्ग, ठीक है, तो याद रख लेना। और 2004 में दोस्तों, 2004 में क्या मिला इसे, व्यास सम्मान मिला, और आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लोगों को भी गुलाब दोगे तो उनका मन कैसा हो जाएगा, मृदुल हो जाएगा, मृदुल हो जाएगा, ठीक है। चार को नहीं देना है, देना तो एक ही को है, ठीक है, लेकिन अगर आप चार को गुलाब दोगे तो क्या हो जाएगा, मन मृदुल हो जाएगा, और 2004 में इसे व्यास सम्मान मिला। ऐसे भी याद रखना कि सर मैंने गुलाब दिया चार लोगों को और चारों लोगों का मन मृदुल हो गया, ठीक है, तो चार में मृदुला गर्ग की कठ गुलाब रचना को। कथा सतीसर, जी हाँ दोस्तों, कथा सतीसर की रचनाकार बताना है, और आपने सुना होगा दोस्तों, इतिहास में आप पढ़ते हो, हमने ऐसी कई चांद सी रानियों का, चांद सी चेहरे वाली रानियों का क्या सुनी है, सती होने की कथा सुनी है, सुनी है कि नहीं सुनी है, बिल्कुल सुनी है, अब आप नहीं बताएंगे कि नहीं सुनी, जौहर आपने सुनी होगी, सती हो गई बोले, है ना, ऐसी चांद सी रानी थी, क्या हो गई, सती हो गई, उनकी कथा आज हम सुनते हैं, है ना। तो कथा सती सर, कथा सती की, कौन सी सती की, जिनके चेहरे चांद से थे, है ना, जो चांद से चेहरे वाली थी, तो चंद्रकांता, चंद्रकांता, है ना, याद रख लेंगे, कथा सती सर के रचनाकार कौन होंगे, चंद्रकांता, है ना। सती बात आई, सती, तो अब सती भूल जाना, कैसी सती थी, चांद सी सती थी, चांद से चंद्र और कांता, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और 2005 में इसे मिल गया व्यास सम्मान, 2005 में, ठीक है, पांच में याद रखना। कविता का अर्थात के रचनाकार कौन है, कविता का अर्थात, दोस्तों एक चीज बताना, आप कविता पढ़ते हो, कविता पढ़ते हो, अगर कविता का अर्थ आपको पता चल जाए तो क्या होता है, कविता का अर्थ अगर पता चल जाए तो आनंद आ जाता है, कविता पढ़ने में तभी आनंद है जब कविता का अर्थ पता हो, ठीक है, तो कविता का अर्थ पता चल जाए तो क्या आ जाता है, परम आनंद आ जाता है, तो परमानंद श्रीवास्तव, परमानंद श्रीवास्तव, बोले सर बहुत बढ़िया ट्रिक बताई आपने कि कविता का अर्थ पता चल जाए तो परम आनंद आ जाता है, तो परमानंद श्रीवास्तव। और इसे 2006 में, जी हाँ दोस्तों, 2006 में इसे क्या मिला, व्यास सम्मान मिला, ठीक है, तो ये याद रख लेना है, और आपको पता करना है कि कविता का अर्थ परमानंद, ठीक है। अगला है, समय सरगम की रचनाकार कौन है, दोस्तों समय को क्या बनाना है, हमें सरगम बनाना है दोस्तों, समय एक सा नहीं होता, समय को सरगम बनाना है, कैसे बनेगा, समय सरगम की रचनाकार बताना है, यहाँ पर दो सेकंड में आपका समय है। और दोस्तों अगर आपके साथ कृष्ण आ जाएं, आपके साथ कृष्ण आ जाएं, तो आपका समय क्या होगा, सामान्य नहीं रहेगा, सरगम बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, सरगम बन जाएगा, अगर आपके साथ कृष्ण आ जाएं तो आपका समय सरगम बन जाएगा, तो कृष्णा सूक्ति की रचना है कौन सी, समय सरगम, समय सरगम याद रख लेना, अब आप कभी नहीं भूलोगे, आपसे पूछा जाएगा कि समय सरगम की रचनाकार कौन है, बोले समय को सरगम बनाना है तो कृष्ण की जयकार करो, है ना, कृष्ण के दरबार में जाओ, कृष्ण की शरण में जाओ, तो इस प्रकार से कृष्णा सोपती जी की ये रचना है। और इसे 2007 में, जी हाँ दोस्तों 2007 में व्यास सम्मान मिला, इसलिए कृष्ण को साथ में लेकर चलना है, कृष्ण के साथ में चलना है, ठीक है, याद रख लेना, कृष्ण को मन में साथ में रखना है, तो साथ साथ में रखना है, तो साथ में इसे व्यास सम्मान भी मिल जाता है, ठीक है। अगला है, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है, मैंने आपको याद करवाया था दोस्तों कि कोई भंडारे में जाता है, आप लगे भंडारे होते हैं, भंडारे में अगर कुछ हो गया, लड़ाई हो गई, तो बोले एक कहानी यह भी बन गई, अब एक कहानी यह भी काय में, भंडारे में, एक कहानी यह भी भंडारे में, तो मन्नू भंडारी की रचना है कौन सी, एक कहानी यह भी, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और 2008 में इसे व्यास सम्मान मिला, है ना, और आपका कोई 8 साल का बच्चा भंडारे में जाता है और लड़ाई हो जाती है, तो एक कहानी यह भी,
याद रखेंगे, आप कभी नहीं बोलोगे आप एक कहानी है भी मन्नू भंडारी। दोस्तों आपको बताना, इन्हीं हथियारों से मैंने आपको याद करवाई थी, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इस रचना के लिए। आपको बताना ये किसकी रचना है। 2 सेकंड दिए जाते हैं और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इन्हीं हथियारों से, अब यहाँ पर कर दूँ इन्हीं हाथों से हमें क्या होना है, अमर हो जाना है। इन्हीं हाथों से अमर हो जाना है, तो इन्हीं हथियारों से या हाथों से जो रचना होगी वो किसकी होगी। अमर हो जाना है तो अमरकांत की, ठीक है। अमरकांत यानी आपका डी नंबर बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों 2007 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 2009 में इसे व्यास सम्मान भी मिला। बहुत ही बढ़िया रचना है, कई बार पूछी गई है ना। आपसे पूछा जाएगा इन्हीं हथियारों से, बोले हाँ इन्हीं हाथों से हथियारों से हमें अमर हो जाना है, अमर, ठीक है। और दोस्तों 7 में साहित्य अकादमी और 9 में व्यास सम्मान इसे मिला है इन्हीं हथियारों से, ठीक है। फिर भी कुछ रह जाएगा कहाँ पर इस विश्व में, फिर भी कुछ रह जाएगा। कोरोना चल रहा है दोस्तों, फिर भी कुछ रह जाएगा है विश्व में, आपको क्या लग रहा है। फिर भी कुछ रह जाएगा कहाँ पर, विश्व में तो विश्वनाथ तिवारी ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। फिर भी कुछ रह जाएगा विश्व में। और 2010 में इसे सम्मान मिला है, कौन सा, व्यास सम्मान। विश्व में फिर भी कुछ रह जाएगा, ऐसे कर लेंगे, विश्व में फिर भी कुछ रह जाएगा 2010 व्यास सम्मान, ठीक है। आम के पत्ते के रचनाकार तो कौन है दोस्तों, आम के पत्ते बताना है इसके रचनाकार कौन है। और 4 विकल्प हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों जब कथा होती है राम कथा हो रही, बोले राम कथा हो रही है, और आप देखते हैं दरबार में आम के पत्ते लगाते इस प्रकार से माला बना के, है ना। आम के पत्ते भी सोचते हैं कहीं राम के दर्श हो जाएं, है ना, क्या सोचते हैं, आम के पत्ते भी सोचते हैं राम के दर्श हो जाएं। तो आम के पत्ते के रचनाकार कौन होंगे, रामदर्श मिश्र, यानी कि जो आपका वी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। आम के पत्ते क्या कल्पना करते हैं, राम के दर्श हो जाएं। दोस्तों ये चीज़ आप कभी को मिल जाए, बोले आम के पत्ते करते हैं, तो कभी कल्पनात्मक कहानी बना के, कविता बना के आपको पेश कर देगा। तो आम के पत्ते क्या सोचते हैं, राम के दर्श मिल जाएं। और 2011 में इसे व्यास सम्मान मिल गया आम के पत्ते के लिए। बहुत ही बढ़िया रचना है, कई बार पूछी भी गई है। अगला है ना भूतो ना भविष्यति। हम बोलते ना कि ना भूत में हुआ है ना भविष्य में होगा, वैसा हो गया है। ना भूतो ना भविष्यत की रचनाकार कौन होंगे, तो 4 विकल्प हैं दोस्तों। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नरेंद्र कोहली, है ना। कोहली क्रिकेट टीम के हैं, कप्तान हैं, और इन्होंने ऐसा कर दिया कि ना भूत में हुआ और ना भविष्य में, है ना, ना भूतो ना भविष्यत। बोले इंडिया टीम को ऐसा कप्तान ना भूत में मिला ना भविष्य में, तो ना भूतो ना भविष्यत ये कौन हो जाएंगे, नरेंद्र कोहली। कोहली याद रख लेना, नरेंद्र कोहली इसके रचनाकार हैं। और 2012 में क्या मिल गया, साहित्य इन्हें व्यास सम्मान मिल गया, ना भूतो ना भविष्यत 2012 नरेंद्र कोहली, ठीक है, इस प्रकार से। और दोस्तों आपको बताना भी है कि सर ये वाली ट्रिक अच्छी लगी। लास्ट में मैं आपको एक चैलेंज प्रश्न देता हूँ, उसके साथ ही आपको ट्रिक भी बतानी होती है कि कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी सबसे फनी लगी, ठीक है। ब्योमकेश दरवेश के रचनाकार कौन है दोस्तों, हिंदी साहित्य वाले स्टूडेंट हैं तो पर्यावाची शब्द सभी को आते हैं लगभग। अब यहाँ पर देखो कि ब्योम मतलब क्या होता है, आकाश। ब्योम मतलब होता है आकाश। और दोस्तों एक चीज बताना कि जो ये आकाश है हमारे भारत में बस है कि अमेरिका में भी है, सब जगह है ना पूरे विश्व में, कि नहीं, बोले अमेरिका में नहीं है सर आकाश, तो भारत में बस है, पूरे विश्व में आकाश है। और ब्योम मतलब होता है आकाश, तो ब्योमकेश दरवेश ये रचना किसकी होगी, ब्योमकेश दरवेश ये रचना बतानी है, और ये रचना होगी विश्वनाथ त्रिपाठी की, है ना। विश्व में क्या है, ब्योम फैला है, ब्योम यानी कि आकाश फैला है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी इसके रचनाकार होंगे। और 2013 में क्या है, इसे व्यास सम्मान मिला है, ठीक है, व्यास सम्मान, तो याद रख लेना है। और 13 व्यास पूछ लेना आकाश से कि 13 व्यास कितना है, 13 व्यास कितना है, क्योंकि आकाश है दोस्तों आकाश, और इसका ये व्यास देखना है, यहाँ से आप लेते हो यहाँ तक त्रिज्या, और जब ये यहाँ तक पहुँच जाते तो इसे व्यास कहते, व्यास, और इसे पूछ लेना कि 13 व्यास क्या है,
2013 से 2013 और व्यास सम्मान मिल गया ब्योमकेश दरवेश को, विश्वनाथ त्रिपाठी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, प्रेमचंद्र की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के रचनाकार कौन है? दोस्तों बहुत सारे किशोर बोलते हैं कि सर प्रेमचंद्र की कहानियों का क्रमबद्ध अध्ययन करवाओ। बहुत सारे किशोर बोलते हैं, तो कौन होंगे प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, कौन होंगे रचनाकार? किशोर बोलते हैं तो कमल किशोर गोयनका। ठीक है, अब कभी नहीं भूलना 2014 में इसे व्यास सम्मान दिया गया, किसे? प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए, और ये रचना है कमल किशोर गोयनका। और बहुत सारे किशोर बोलते हैं कि क्रमबद्ध अध्ययन करवाओ सर प्रेमचंद की कहानियों का क्रमबद्ध अध्ययन, है ना, तो कमल किशोर। अगला है क्षमा के रचनाकार कौन है? दोस्तों चार विकल्प हैं, और दोस्तों आपको पता होगा, शायद आपने जैन धर्म पढ़ा होगा, जैन धर्म में एक धर्म होता है क्षमा धर्म होता है, है ना। कहते हैं कि क्षमा धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और क्षमा कौन से धर्म में होता है? जैन धर्म में होता है। तो अब क्षमा धर्म का पालन कोई जैन ही करेगा तो सुनीता जैन, है ना, ये रचना है सुनीता जैन की, और एक खंड काव्य है, ये चीज़ भी याद रखनी। और 2015 में क्या मिला? इसे ज्ञान व्यास सम्मान मिल गया। तो आप कभी नहीं भूलना, मैंने बोला क्षमा तो आप देख लेना कि क्षमा तो जैन धर्म का एक धर्म है, है ना, तो याद रख लेना। और जैन का है तो सुनीता जैन की ये रचना है, एक खंड काव्य है, 2015 में जैसे व्यास सम्मान मिला। ठीक है, अगला है काटना समी का वृक्ष पद्य पंखुड़ी की धार से, काटना समी का वृक्ष पद्य पंखुड़ी की धार से, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो याद रख लेना है, अब यहां से एक चीज कर देना, काटना समी का स्वर पद्य पंखुड़ी की धार से, ऐसे याद करना है, काटना समी का स्वर पंखुड़ी की धार से, तो स्वर से हो जाएंगे आपके सुरेंद्र वर्मा, है ना, काटना समी का स्वर पंखुड़ी की धार से, तो स्वर से क्या हो जाएगा? सुरेंद्र वर्मा की रचना है, और इसे 2016 में कौन सा सम्मान मिला? व्यास सम्मान मिला। ठीक है, याद रख लेना, कैसे याद रख लोगे? काटना समी का स्वर पंखुड़ी की धार से, समी का स्वर से सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, दुखम सुखम की रचनाकार बताना है, और चार विकल्प हैं, बहुत ही बढ़िया रचना है, कई बार पूछी गई है, और दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको कमेंट में लिखना है। और मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जिसको माँ की ममता मिल जाए उसके सारे दुखम सुखम में बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जिसको माँ की ममता मिल जाए उसके दुखम सुखम में बदल जाते हैं। अब याद रख लेना, आप कभी नहीं भूलोगे, है ना, बोले माँ की ममता अगर मिल जाए तो दुखम सुखम में बदल जाते हैं, सुखम में। तो याद रख लेना, ममता कालिया इसके रचनाकार हैं, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 2017 में जो है इसे मिला दोस्तों व्यास सम्मान, कब मिला? 2017 में। ठीक है, तो याद रख लेना, किसी को दोस्तों बोले बचपन से बिछड़ गए और 17 साल के हुए तब माँ की ममता मिली, है ना, 17 साल के हुए तो 2017 में व्यास सम्मान मिला, और ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है ना, कि माँ की ममता मिल जाए तो सारे दुखम सुखम में बदल जाते, तो दुखम सुखम रचना ममता कालिया। ठीक है, जितने लोग उतने प्रेम के रचनाकार कौन है दोस्तों? जितने लोग उतने प्रेम करते हैं, है ना, ऐसे याद कर लो, है ना, कैसे याद करोगे? जितने लोग उतने प्रेम करते हैं, और कैसे करते हैं? जुगाड़ से करते हैं। तो लीलाधर जगुड़ी याद रख लेना, जितने लोग उतने लोग प्रेम करते हैं, कैसे? जुगाड़ से, तो लीलाधर जगुड़ी। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर लीलाधर जगुड़ी आपका सही है। आप कभी भी पूछा जाएगा आपसे कि जितने लोग उतने प्रेम करते हैं जुगाड़ से, यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। और 2018 में इसे क्या मिला? व्यास सम्मान मिल गया। ठीक है, व्यास सम्मान मिल गया। और अगली रचना है कागज की नाव के रचनाकार कौन है दोस्तों? बचपन में आपने बहुत कागज की नाव, है ना, पानी गिरा और आपने कागज की नाव बनाई और निकाल दी, बहुत चलाई है कागज की नाव, है ना,
और कागज की नाव के रचनाकार अब यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो दोस्तों कागज की नाव के जो सिरा होते हैं यहाँ पर, एक सिरा ए और एक सिरा ए, देखो ये सिरा बहुत बढ़िया होते हैं दोस्तों सिरा, और जब कागज की नाव निकलती है तो ना उसका सिरा होता है कि कहाँ पहुँचती है, वो कोई सिरा नहीं, ना सिरा, बोले ना सिरा, है ना, ना सिरा। तो याद रख लेना कागज की नाव का ना सिरा, ना सिरा शर्मा, ना सिरा शर्मा की रचना है कागज की नाव, और इसे 2019 में दोस्तों क्या मिला, व्यास सम्मान मिल गया। तो याद रख लेना 2019 में व्यास सम्मान किसे मिला, तो बता देना कागज की नाव को, और ये रचना है नासिरा शर्मा की, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके जो व्यास सम्मान है वो कंप्लीट होते हैं, व्यास सम्मान जितने भी व्यास सम्मान से सम्मानित रचनाएं हैं। अब आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत की जो चिदंबरा रचना है, इसके लिए तो हमने पिछली वीडियो में भी पूछ लिया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, लेकिन अब हम नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं कि कलाधर किसका उपनाम है। कलाधर बताना है, कलाधर किसका उपनाम है। आपके पास चार विकल्प हैं, सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है आपका निराला, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, और चौथा है नागार्जुन, ठीक है। ये चार विकल्प में से आपको बताना है कि कलाधर उपनाम किसका है। सभी लोग इस चैलेंज प्रश्न का उत्तर बताएंगे, और ये सुमित्रा नंदन की चिदंबरा का भी आपको बताना है, फिर से इसका भी बताएंगे कि कब इसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 72 में किसे मिला, 78 में किसे मिला, 82 में किसे मिला, ये भी आपको बतानी है, और कलाधर उपनाम किसका था ये भी आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी, ठीक है, आपको कमेंट में लिख के बताना है, और कितनी चीज़ें आपको याद हुई, कितने परसेंट आपको याद हुआ इन ट्रिकों से, क्योंकि जो आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाएं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचनाएं, सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित, व्यास सम्मान से पुरस्कृत जो रचनाएं होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं होती हैं, अधिकांश रचनाएं वो ही पूछी जाती हैं, ठीक है। इनको हमें अच्छे से पढ़ना है, रटना है, ठीक है। और दोस्तों जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 ये नंबर है, इस पर आप SMS करेंगे, MSG करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की। और दोस्तों अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है, आपको सर्च कर लेना है टेलीग्राम में और ज्वाइन हो जाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट में बता देना, और प्रोत्साहन के दो शब्द भी आप लिख देना, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।